हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज दे रहा हूँ मैं अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग फार्मूला। ब्रीडिंग फार्मूला में मैं दे रहा हूँ ऑस्टोवेट प्लस विमराल। मैं 500 ml ऑस्टोवेट में 30 ml विमराल दे रहा हूँ। ये पूरी सी चीज़ के अंदर डाल दे रहा हूँ मैं विमराल की। इसे डाल के अच्छी तरीके से शेक कर दे के मैं इनको देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्टोवेट पे, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 500 ml ऑस्टोवेट में 30 ml विमराल देना चाहिए। ऑस्टोवेट तो कैल्शियम है और विमराल जो है वो मल्टीविटामिन है। इंशाल्लाह आज हम इनको ये देंगे। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से शेक कर लिया है। मैं अपने बर्ड्स को ये देता हूँ। मैं अपने बर्ड्स को दे रहा हूँ 4 to 5 ml एक हाफ लीटर पानी में, क्योंकि बर्ड्स जो है वो पानी बहुत कम पीते हैं, इसी वजह से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ इन्हें। तो दोस्तों, हमारे पैरट्स ने आके पानी पी लिया है। इसे अच्छी तरीके से मिला दे रहा हूँ, क्योंकि ऑस्टोवेट जो रहता है थोड़ा ठीक रहता है, इसी वजह से जल्दी घुलता नहीं है, डिजॉल्व नहीं होता है पानी में। मैं थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा इसे दे के डिजॉल्व कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारा पैरट आ चुका है पानी पीने के लिए। ऑस्टोवेट और विमराल एक कैल्शियम एंड मिनरल्स का सोर्स होता है। इससे ये हमारे बर्ड्स जल्दी ब्रीडिंग पे आ जाएंगे, क्योंकि अब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और इनको कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मैंने कैल्शियम भी दे दिया है इन्हें। इंशाल्लाह कुछ ही दिन में ब्रीड करेंगे, हम आपको बताएंगे इसका ब्रीडिंग रिजल्ट। दोस्तों, मैंने यहाँ पर भी एक ब्रीडिंग बॉक्स लगा दिया है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर दो ब्रीडिंग बॉक्स भी लगा दिए। कल मैंने यहाँ पर इन्हें नेस्टिंग मटेरियल भी दे दिया था, थोड़ा ये बॉक्सों में भी, दो बॉक्सों में भी डाल दिया हूँ मैंने नेस्टिंग मटेरियल। बहुत ही जल्द हमारे बर्ड्स इसके अंदर जाना शुरू करेंगे। आप देखिए, हमारे बजीस मटकी में स्लोली स्लोली जाना स्टार्ट कर चुके हैं। इंशाल्लाह हमारे सारे बजीस, फिंचर्स एंड कॉकटेल्स जल्दी अपना अपना घर सेलेक्ट कर लेंगे और जल्दी ब्रीड करेंगे, और बहुत जल्दी हमारे मास्टर केज में एग्स होंगे और छोटे छोटे चिक्स होंगे। तो दोस्तों, हमारे सभी बर्ड्स पानी पीने के लिए आ गए माशाल्लाह से। आप देखिए, हमारे जावा फैन बजीस पानी पी रहे हैं, कॉकटेल्स भी नीचे बैठे हैं, थोड़ा डर रहे हैं, लेकिन आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, हमारे सभी बर्ड्स ने पानी पी चुका था, तो मैं इनका खाना रख दिया हूँ यहाँ पर, सनफ्लावर सीड्स और कंगनी दाना रख दिया हूँ। अब हमारे बर्ड्स आएंगे और खाएंगे। माशाल्लाह से सभी ने पानी पी लिया है। तो दोस्तों, हमने आज अपने बर्ड्स को, सभी बर्ड्स को बर्ड ब्रीडिंग फार्मूला दे दिया। इंशाल्लाह कुछ ही दिन के बाद ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे और इनके एग्स हो गए। तो मैंने इनको सुबह की डाइट में सनफ्लावर सीड्स और अला दिया हूँ। सभी बर्ड्स हमारे आके खाना खाना स्टार्ट कर चुके हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी होंगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, और कमेंट करिए हमें कौन से बर्ड्स लाना चाहिए अपने मास्टर केज के लिए।